हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सभी ने बहुत अच्छे से इस टेस्ट को दिया होगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं रिवाइंड टेस्ट सीरीज में जो मेजर टेस्ट वन हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस अपने इस मेजर टेस्ट वन में आए थे। मेजर टेस्ट वन में हम लोगों ने क्या कवर किया है? तो हम लोगों ने मेजर टेस्ट वन में यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर को कवर किया है। उसके बाद में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, दैट इज काइनेमेटिक्स वाला सेक्शन कवर किया है। और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, ये एक और चैप्टर हमने इसमें कवर किया है। तो ये क्लास 11 के पोर्शन से इन चार चैप्टर पर बेस्ड हमारा मेजर टेस्ट वन था, जो कि न्यू पैटर्न पर बेस्ड था। और आज हम बात करेंगे इन्हीं इसी टेस्ट में से लिए गए कुछ क्वेश्चंस को यहां पर। तो बिल्कुल भी देर ना कीजिए और अपने साथ में हमारे साथ में जुड़िए बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन के ऐप पर और आप इन टेस्ट को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। पहला सवाल है, टू राउंड ऑफ एनी नंबर टू द गिवन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वन शुड इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय वन। इफ हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए टू द गिवन सिग्निफिकेंट डिजिट, गिवन सिग्निफिकेंट डिजिट में हमें क्या करना चाहिए? बोल रहा है वन शुड इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय वन। प्रीसीडिंग डिजिट को वन से इंक्रीज करना चाहिए। कब करना चाहिए बोलो, कब करना चाहिए ये सवाल है। प्रीसीडिंग डिजिट को वन से बढ़ाना चाहिए। तो भैया देखो, जैसे मान लो हमारे पास में एक नंबर है 2.3, 4 और 6, इसमें 4 हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा? इसमें 4 हैं। और यदि मुझे इसको 3 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2.35 बराबर। तो मैंने इस डिजिट को वन से कब बढ़ाया? वन से कब बढ़ाया? जब ये वाला डिजिट, जिस डिजिट को हमको ड्रॉप करना है, ये ड्रॉपिंग डिजिट क्या है? 5 से बड़ा है, तभी मैंने इसको किया। क्या? बिल्कुल। अब ऑप्शन देखो, द ड्रॉपिंग नंबर इज लेस देन 5, गलत। द ड्रॉपिंग नंबर इज 5। तो बेटा देखो, ड्रॉपिंग नंबर 5 होता है तो उसमें दो केस होते हैं, एक इवन वाला और एक ऑड वाला। तो ऑड में जब प्रीवियस नंबर ऑड नंबर होता है तब हम प्लस 1 करते हैं, और इवन में कीप एज इट इज। तो बेटा यहां पर एक एम्बिग्यूटी बनती है, मतलब हम इसमें डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं द ड्रॉपिंग नंबर इज 5 एंड द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन। तो बेटा इसमें भी नहीं होगा, और चूंकि यहां पर सिर्फ इतना ही लिखा है 5, तो 5 पे हम नहीं करते हैं बेटा। इसका मतलब आंसर है नन ऑफ द अबव, नॉट, नहीं, इसमें कोई भी आंसर गिवन नहीं है। ये था हमारा एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देखो, बिल्कुल प्यारा सा सवाल है वेक्टर्स इस कॉन्सेप्ट पर। अरेंज द वेक्टर एडिशन सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। दो वेक्टर का जो वेक्टर रिजल्टेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो भैया जैसे हमारे पास में यदि आर वेक्टर बराबर है पी वेक्टर प्लस का क्यू वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। बोलो बात सही है क्या? अब यहां पर बोला है कि इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो पहला लिखा है पैरेलल है, पहला लिखा है पैरेलल है। तो भैया पहले में पैरेलल होंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा, तो आर बराबर आएगा पी प्लस का क्यू। बोलो बात सही है, यस और नो? आपने बोला हाँ। दूसरे में देखो बेटा, दूसरे में बोला है उसने थीटा बराबर है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, तो बेटा आर बराबर क्या आएगा? अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बेटा कॉस 60 की वैल्यू 1/2 रखोगे तो ये आएगा प्लस का पी क्यू। फिर तीसरे में हम देखते हैं तो थीटा बराबर क्या है? 120 डिग्री है, तो आर बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और कॉस 120 बेटा -1/2 होगा, 2 से 2 कैंसल होने पर यह बचेगा माइनस पी क्यू। और चौथे में लिखा है एंटी पैरेलल, मतलब थीटा बराबर क्या है? 180 डिग्री, तो 180 डिग्री करेंगे तो आर बराबर आएगा पी माइनस का क्यू। अब आपको यह पता होना चाहिए कि बेटा 180 डिग्री पर यह जो वैल्यू मिलती है वो मिनिमम मिलती है, और 0 डिग्री पर बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। और आपको क्या करना है सवाल के अंदर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा पहले आएगा। तो
तो अब आप देखो सबसे छोटा मतलब चार नंबर वाला, मतलब यहां पर डी होना चाहिए, तो डी से शुरू होना चाहिए और ए पे जाना चाहिए, बिल्कुल बात सही है, डी से शुरू होना चाहिए और ए पे जाना चाहिए, मतलब ये तो दोनों गलत हो गए, ये दोनों क्या हो गए हमारे सामने, ये दोनों की दोनों ऑप्शन हमारे पास में गलत आंसर हो चुके हैं। अब बताओ इसमें इन दोनों को और बचा है, तो इसके बाद में क्या इसको लिख लेता हूं ए बी सी डी, तो मेरा सीक्वेंस क्या होना चाहिए बेटा, क्लियरली दिख रहा है डी सी बी ए, तो मेरा आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को देखते हैं बेटा, देखो ये सवाल देखो क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन 8 सेकंड, बिल्कुल सिंपल सा सवाल दे दिया, कई बार ऐसे सवाल होते हैं। अब यहां पर क्या बोला गया है, डिस्टेंस निकालनी है और डेटा क्या दिया है, एक साइड में वेलोसिटी एक साइड में टाइम है, वेलोसिटी और टाइम से जब हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तो बेटा डिस्टेंस क्या होती है बेटा, मॉड ऑफ एरियाज, यस और नो, मॉड ऑफ एरियाज। हालांकि यहां पे कोई भी नेगेटिव एरिया तो दिख नहीं रहा है, लेकिन बेटा हमें पता होना जरूरी है। तो इसमें देखो क्या सिंपल सा ट्राइंगल बन रहा है, ये रहा, तो मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूं, तो बेटा इसका एरिया आएगा हाफ बेस, तो देखो 0 से लेकर के 8, और सवाल में पढ़ना जरूर कि बेटा 8 तक दिया है कि नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है। तो बेस आ गया 8, हाइट कितनी है 20, सो यू आर गेटिंग एरिया एट व्हाट, 2 से काटोगे 4 बार, तो ये आ गया एरिया आ गया तुम्हारे पास 80 मीटर। और क्या यही हमारा आंसर, बिल्कुल बेटा यही हमारा आंसर, एग्जाम में बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी पर बेस छोटी छोटे से ही सवाल रहने वाले हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़े ही आराम से इन्हें डील किया जा सकता है। चलो आगे देखो एक और सवाल, अब देखो सवाल क्या होता है ना, न्यूमेरिकल्स तो हम बड़ी ही जल्दी से शीघ्रता से कर देते हैं, लेकिन जहां कॉन्सेप्ट वगैरह आते हैं तो हमें परेशानी हो सकती है, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो सवाल क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो जब भी कभी भी आपको एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट का सवाल हो, पेपर में एक सवाल होता ही है, हाय सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन लेक्चर बट इट्स इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म यू यू शुड डाउनलोड बायोमेंटर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. जहां पर करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में वो बात कर रहा होता है, तो यहां पर करेक्ट पूछा है, तो ध्यान से पढ़ते हुए ही आगे बढ़ना है आपको। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज अलोंग और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या नहीं, गलत है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे एक पार्टिकल मान लो कॉन्स्टेंट स्पीड से सर्कल में चलने लग जाए, कॉन्स्टेंट स्पीड से सर्कल में चलने लग जाए तो उस पर एक्सेलरेशन बेटा किधर लगता है, इधर लगता है, यस और नो, जो सेंट्रीपिटल होता है, मतलब ये गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सेम, क्या बोल रहा है, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, लेकिन क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सेम, क्या जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन, देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, बराबर है, और वेलोसिटी में बेटा दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करो, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करो, या दोनों को चेंज करो। इसका अर्थ यह हुआ कि क्या ये ऑप्शन सही है, गलत। मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नियर अर्थ सरफेस, क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यस और नो, यस और नो बोलो, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर डी को भी पढ़िए, इन वन डायमेंशनल मोशन एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, नहीं होता यह है बेटा, एवरेज स्पीड जो है वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है एवरेज वेलोसिटी, ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है, हमेशा ग्रेटर देन नहीं होती है। तो ये छोटे छोटे बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है, तब आपके सवाल बेटा बिल्कुल सही होंगे। एनसीईआरटी में ऐसी छोटी छोटी लाइनें दी होती हैं, उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना होता है और ध्यान से ही हमें आंसर निकालना होता है। जैसे अब ये सवाल देखो क्या सवाल है,
A force of 98 Newton is required to just start moving a body of mass 100 kg over ice. Then the coefficient of static friction. तो भैया coefficient of static friction को मैं कहां से लाऊं? तो यहां पर देखिए बेटा, आपके पास में दे रखी है एक 100 kg की बॉडी. अच्छा, अब इस बॉडी को चलाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स, मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वो है आपका 98 न्यूटन का. तो अब देखो यहां पर बात देखो कि यार ये जो है ना, इसका वेट जो आएगा वो आएगा एम जी, दैट इज 100 इंटू जी होता है 9.8. तो आपका वेट आ गया 980 न्यूटन का. बोलो बात सही है क्या? तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है इतनी. बोलो बात सही है. अब जस्ट स्टार्ट का मतलब क्या है कि भैया स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, तभी बॉडी इज अबाउट टू मूव. बॉडी इज अबाउट टू मूव. तो यहां से यदि मैं देखूं तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ रही है और बेटा ये इतना है. सही लिख दिया क्या? गलत लिखा आपने. क्यों गलत लिखा? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस टाइम्स आर, और ये एफ एक्सटर्नल के बराबर. तो म्यू एस और आर कितना आएगा? तो देखो बेटा ये बैलेंसिंग केस में 980 आएगा और ये आपको 98 दिया है. तो बोलो म्यू एस कितना आएगा? 0.1 यहां पर मिलने वाला है. कितना प्यारा सा बेसिक सा सवाल है, फ्रिक्शन पर बेस सवाल है. देखो हर तरह के सवालों को हमें डील करना होता है. बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस यहां पर नहीं है कि है नहीं. कर सकते थे क्या इस सवाल को? बिल्कुल इस सवाल को बड़े ही आराम से यहां पर किया जा सकता था. यस और नो. आगे बढ़ते हैं. यहां पर एक बेटा पुली ब्लॉक सिस्टम का सवाल दिया गया है. क्वेश्चन डायग्राम ही बता रहा है. टू ब्लॉक्स ए बराबर 6 किलोग्राम एंड बी बराबर 3 किलोग्राम आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर विद मास लेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है. पुली भी भैया तुम्हारी मासलेस है. नाउ द ब्लॉक्स आर रिलीज, देन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. अब देखो यहां पर जब ये सिंपल पुली ब्लॉक होती है तो उसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन होता है m1 माइनस m2 इनटू g अपॉन m1 प्लस का m2, और जो टेंशन आती है बेटा वो होती है 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस का m2. बेटा सबसे सिंपल पुली ब्लॉक के लिए इतना आपको कम से कम याद होना ही चाहिए. तो यहां से यदि आप देखोगे तो ये आएगा 2 × 6 × 3 इंटू जी को मैं 10 ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए अपॉन 6 प्लस का 3. तो बोलो क्या आएगा? 2 × 6 × 3 = 18 × 10 डिवाइडेड बाई 9. बोलो कितना होगा? 9 × 2 = 18, 2 × 2 = 4, 40 न्यूटन है क्या बेटा? 40 न्यूटन. यस इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी. क्या हमने एक और सवाल कवर किया? बिल्कुल. देखो यही वो वैरायटी है जो आपको एग्जाम में मिलने वाली है. बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस के सवाल नहीं आएंगे. बेसिक चीजों पे ध्यान देना है. बेसिक नीट में सवाल वो होते हैं बेटा जिन्हें आप 2 से 3 लाइन में सॉल्व कर लो, 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. वैसे सवालों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा यहां पर रहने वाली होती है. नाउ यहां पर एक सवाल देखिए क्या हो रहा है. अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम, इसका मतलब देखो ये जो ब्लॉक बनाया है ये 5 kg का है. इसे इंक्लाइन प्लेन पर रखा है जैसे डायग्राम में दिखाया है. स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया. द स्प्रिंग कांस्टेंट इज के बराबर दिस. द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज 37 डिग्री. फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो रहा है तो एक बात ध्यान से देखिए बेटा. मैं यदि बात करता हूं ये ऐसे, यदि मैंने बनाया थीटा बराबर 37 डिग्री है, और देखो ये आपकी स्प्रिंग क्या हो चुकी होगी? कॉम्प्रेस हो चुकी होगी. ये हमारे पास में के है और बेटा ये एम है. तो यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, ये लगेगा इसका कंपोनेंट एम जी, ये आएगा एंगल थीटा पर एम जी कॉस थीटा, और ये स्प्रिंग को दबा रहा होगा एम जी साइन थीटा. बदले में स्प्रिंग क्या करेगी? एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगी जो कितना होगा? के एक्स.
जो इस ब्लॉक को इधर आने से रोकेगा, लेकिन जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, मतलब एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू के एक्स, तो भैया स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन आएगा एम जी साइन थीटा बाई के। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सिंपल सा सवाल, देखो सवाल फिजिक्स में अनंत हो सकते हैं, लेकिन हमें तैयारी अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी रखनी है। खैर, तो अब यहां पर डेटा देखो, के 100 है, एम 5 है और एंगल 37 है, तो मैं वैल्यू को यदि पुट करता हूं तो ये आएगा 5, जी को 10 रख लेता हूं, ये आएगा साइन 37, तो यार साइन 37 कितना होता है 3/5 होता है और के दिया है आपको 100। बोलो क्या होगा बेटा, देखो 5 से 5 कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, मतलब 3/10, मतलब 0.3 मीटर शुड बी द आंसर। क्या ये दिया है, 0.3 मीटर इज गिवन एट ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड। आगे बढ़ के देखते हैं और क्या सवाल है हमारे सामने। देखो एक प्यारा सा सवाल यहां पर आ रहा है, ये इस ग्राफ में और ये यहां पर एक ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और उसके करस्पॉन्डेंस आपको बोला गया है कि कौन से ग्राफ दिए हैं करस्पॉन्डेंस में। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप ए एम बी ए एम बी, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। तो याद कीजिए बेटा, देखो ए बराबर होता है डीवी बाई डी टी, मतलब ए बराबर होता है स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। तब आपको यहां पर पहचानना है कि भैया कौन सा आंसर आएगा। तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि जैसे एक्स एक्सटी से यदि मैं वी टी जाऊं और वी टी से यदि मैं ए टी जा रहा हूं, यदि यहां पर पैराबोला है तो यहां इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिलती है और यहां पर हमें उसकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलती है। लेकिन यदि यहां पर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो उस केस में हमें यहां पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलती है और यहां पर जीरो लाइन पे आते हैं हम। बात समझ में आ रही है? और थोड़ा आगे बढ़ा दूं, यदि यहां पर मेरे पास में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर बेटा जीरो लाइन आएगी और यहां पर भी जीरो लाइन आएगी। तो अब जरा देखिए हमारे पास में है क्या चीज। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन दी गई है, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन में आपको स्लोप लेना है, सिंपल सी बात है, और आपको आंसर यहां पर निकालना है। तो ए से एम में देखिए बेटा, यहां पर वेलोसिटी जीरो है और इसके बाद में ये नीचे जा रही है, तो यदि मैं इसका स्लोप देखूं तो ये एंगल है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री का है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो ए से एम तक आपका स्लोप कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है, तो ए से एम तक भैया जी एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। अब ये तो साइनोसॉइडल है, ये तो वैसे ही गया, अब ये तो इसके कितने टुकड़े कर दिए, ये गया, अब ये और ये तो इसमें देखो ये नीचे है, ये ऊपर होगा क्या, नहीं ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर तो आ गया ऑप्शन नंबर 2। अब इसके आगे भी आप मैच कर सकते हैं बेटा, देखो यहां पर जो स्लोप है बेटा थीटा लेस देन 90 है, तो यहां पर जो एम बी वाला सेक्शन है बेटा वहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कॉन्स्टेंट होगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को यहां पर डील किया गया है। बोलो क्लियर है? चलो आगे देखते हैं बेटा। देखो एक सवाल यहां पर क्या है, कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम सो दैट द ब्लॉक डू नॉट मूव। देखो यहां पर सिंपल पुली ब्लॉक के साथ में फ्रिक्शन को भी इंक्लूड किया गया है। कह क्या रहा है भैया, ये कह रहा है तुमसे कि ब्लॉक चलना नहीं चाहिए। कौन सा ब्लॉक नहीं चलना चाहिए, मतलब कोई भी नहीं चलना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है, वैल्यू ऑफ एम सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव, मतलब ना ये चल रहा ना ये चल रहा। अब ये तो बेटा चलने की कोशिश कर रहा है एम जी के कारण,
जिसे स्ट्रिंग जिसके कारण स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस हो रही है टी। हाय, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन लेक्चर, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म यू। You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. अब क्या यही ये स्ट्रिंग यहां तक जा रही है, मतलब बेटा इस स्ट्रिंग में भी टेंशन होगी। अब ये टेंशन की तो ठीक है, लेकिन अब इस टेंशन के कारण ये ब्लॉक चल सकता है, लेकिन इसको यहां पर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन रोकेगा। तो फ्रिक्शन रोकेगा तो मेरे पास पहले है वेट W बराबर 20, जिसकी नॉर्मल रिएक्शन आएगी R, और यहां से मुझे बेटा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कितनी, म्यू एस आर, जो कि है 0.2 × 20, दैट इज 4 न्यूटन। अब यदि ब्लॉक नहीं चल रहा है तो भैया T बराबर होना चाहिए, mg बराबर होना चाहिए 4। तो m आपको निकालना है, g को आप 10 ले लीजिए, तो m बराबर आ गया है 0.4 kg। दैट इज द करेक्ट आंसर, जो कि गिवन है आपको ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और सवाल, यह है एसर्शन रीजन का सवाल। क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ एसर्शन रीजन के, कुछ मैच द कॉलम के, कुछ मल्टी स्टेटमेंट के, इस तरह के सारे सवाल बेटा आपको पेपर में मिलने वाले हैं। सो यदि आप इस रिवाइंड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि और किस तरह के क्वेश्चंस हैं। मैंने तो सिर्फ आपके सामने 10 क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। यहां एसर्शन में लिखा है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव द सेम मोमेंटम, दो ऑब्जेक्ट है जिनके मास अलग अलग है लेकिन मोमेंटम क्या है, सेम है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या है, डिफरेंट होगी, तभी तो प्रोडक्ट मिलकर कॉन्स्टेंट आया होगा। द लाइटर बॉडी पजेस ग्रेटर वेलोसिटी, लाइटर बॉडी पजेस ग्रेटर वेलोसिटी। देखो आपको बोला गया है मोमेंटम ऑफ पी ए बराबर है, मान लेते हैं पी बी, तो भैया आया होगा एम ए वी ए बराबर आएगा एम बी वी बी। तो यहां से देखो बेटा एम ए अपॉन एम बी क्या आएगा, तो ये आएगा वी बी अपॉन वी ए। इसका मतलब ये हो गया कि मास, सॉरी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। बोलो बात सही है क्या भैया, एम ए इधर है, वी ए इधर है, तो जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, मास कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा, मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम। बोलो है क्या। अब एसर्शन में क्या बोला है उसने, मोमेंटम सेम, लाइटर बॉडी पजेस ग्रेटर वेलोसिटी, तो भैया ये स्टेटमेंट तो सही है। बोलो ये स्टेटमेंट तो सही है। आगे क्या बोला है, रीजन फॉर ऑल बॉडीज मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स सेम, सभी बॉडीज के लिए मोमेंटम जो है वो हमेशा सेम रहता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है भैया। क्यों, क्या ये जरूरी है कि आपकी हर बॉडी का मोमेंटम सेम आ जाए? ये कह रहा फॉर ऑल बॉडीज मोमेंटम ऑलवेज रिमेन सेम, गलत। ये ऑलवेज वर्ड ने पूरा ही यहां पर कर दिया खत्म खेल, ये गलत हो गया। देखो याद रखना, ऑलवेज और नेवर वाले स्टेटमेंट जनरली गलत हो सकते हैं, हमेशा होंगे जरूरी नहीं है। तो यहां पर हमारे पास में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ एसर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, इफ द एसर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। और देखो यदि आप अपने नीट 2025 के एग्जाम को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, आप उसमें बहुत ही अच्छे सुपर फ्लाइंग मार्क्स से एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके साथ में ही हमारा बायोमेंटस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। बायोमेंटस ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखेंगी, बहुत सारे अलग अलग बैचेज जो अलग अलग वे में डिज़ाइन किए गए हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। सो आप किसी भी एक बैच के साथ में अपने कंफर्ट के हिसाब से आप जा सकते हैं। जैसे आप कहीं पढ़ रहे हैं,
किसी और इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी आप एनरोल कर चुके हैं तो आप बायोमेडिक्स की टेस्ट सीरीज के साथ में जाइए, इट विल हेल्प यू टू गेन द स्कोर, टू इंक्रीज योर स्कोर। तो यही है हमारी कहानी रिवाइंड टेस्ट सीरीज की, जो आपके लिए चल रही है और यहां पर आप ऑल ओवर इंडिया से बच्चों के साथ में कॉम्पीट कर सकते हैं, है ना। चलो, सो थैंक यू सो मच, यहां पर हम रोकते हैं अपने आप को, है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको टेस्ट से ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटस का रिवाइंड टेस्ट से ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे, और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।